हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, चलो जेम्स का लेक्चर है ये। पूरा लेक्चर देखना, जो नीचे थंबनेल जो चलता है मेरा, जो मेरा ये पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स की जो बात है, तुमको आज समझ में आ जाएगा कि ये चैनल क्या है। जो लोग नए हों उनको बात कर रहे हैं कि दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड हाउ गुड दीज लेक्चर्स आर दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, ये पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, यहाँ आपको पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स मिलता है। तो ये एक नई सीरीज इस चैनल ने स्टार्ट की है, आपको बेसिक से रीजनिंग स्टार्ट करना है। कोई भी टॉपिक बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस में जा करके एंड होगा। ठीक है, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स जो आपको यहाँ मिलता आ रहा है वो मिलता रहेगा। आप हमारी मेंस एंड प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। एग्जामिनेशंस में आपको ये सारी प्लेलिस्ट से काफ़ी आपको मदद होगा। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर मेंस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रीलिम्स के मॉक्स भी फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ रहेंगे, ज़्यादा अच्छे लाइक्स रहेंगे और आपको वीडियो का स्तर बढ़ता जाएगा और अच्छी वीडियो आपको मिलती जाएगी। आज मैंने स्टार्ट किया है सिलोजिन, और देख रहे होंगे आप लोग सामने लिखा है बेसिक्स टू एडवांस। तो पूरा देखो सिलोजिन में कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपको एक ये टाइप आ सकता है कि डायरेक्ट आपको यहाँ स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3, और उसे कंक्लूजन दिया होगा, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस क्लास में, इस यूट्यूब चैनल पर सिलोजिम्स की क्लास नहीं हुई है, काफी एडवांस लेवल की सिलोजिम्स की क्लास यहाँ हो चुकी है। एक बार हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग में जो लोग को वो एडवांस क्लास में समझने में दिक्कत हुई है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है, उन वो भी उस लेवल तक आ जाए कि सिलोजिम्स का क्वेश्चन अगर आपको प्री में आए या फिर मेंस में आए, ये देखने के साथ आपको पक्का होना चाहिए कि ये तो मेरा नंबर पक्का है, इसको हम जाने नहीं दे रहे हैं। देखो, एक टाइप तो ये हो गया कि स्टेटमेंट देगा और कंक्लूजन पूछेगा, इस टाइप से आपको पूछा जाता है। दूसरा टाइप क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा, 1, 2, 3 स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद एक कंक्लूजन दे दिया दो, और बोल दिया कि ये दोनों कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एक स्टेटमेंट है, बी में एक स्टेटमेंट है, सी में एक स्टेटमेंट है, डी में एक स्टेटमेंट है, ई में एक स्टेटमेंट है। अब बोलेगा क्या है क्वेश्चन तुमको कि ये जो कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन सही है। ठीक है, अभी हम तुमको टाइप्स सिखा रहे हैं कि सिलोजिम्स की पहले बाउंड्री समझो, किसी चैप्टर की बाउंड्री समझो कितनी है, उसके बाद तुमको समझ में आएगा उस चैप्टर का। ठीक है, बाउंड्री नहीं समझोगे, मैदान ही पता नहीं रहेगा कि कितना बड़ा है, तो सिक्सर कैसे मारोगे तुम। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ठीक है, यहां आपको तीन ये दे देगा स्टेटमेंट। अब बोलेगा ये दोनों कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये तीन स्टेटमेंट में, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट ऐड करे कि ये दोनों कंक्लूजन मेरा ट्रू हो जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में आया है, आपका टफ की तरफ भाग रहा है एग्जाम। ठीक है, तीसरा आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि स्टेटमेंट दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने करा रखे हैं आपको, कि यहां पे स्टेटमेंट दिया है, यहां पे आपको कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन दिया है ए बी सी डी ई, इस टाइप के कंक्लूजन दिए हैं। अब आपको इसमें से पूछेगा कि डेफिनेटली डेफिनेटली फॉल्स कौन है। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स कौन है, इसमें से आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेफिनेटली, टी एल वाई करना, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू कौन होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसमें जो ब्रांच निकला, यहां से दो ब्रांच आई, एक डेफिनेटली फॉल्स वाली ब्रांच आई, एक डेफिनेटली ट्रू वाली ब्रांच आई। ठीक है, जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, जो लोग अपना पेड क्वालिटी में यही चीज पढ़ाएंगे ना पेड लेक्चर्स में, आप भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पता रहता है कि कहाँ पेड क्वालिटी में कहाँ मेरा लेक्चर चल रहा है। चलिए, खैर पढ़ाइए, आप भी अपना पैसा कमाइए, मेरा यूट्यूब चैनल पे ये क्वालिटी फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं। आप लोग जो लोग देख रहे हो ना, कभी कहीं पेड लेक्चर्स देखना ना, तो देखना क्वालिटी कंपेयर करके देखना, तुमको पता चल जाएगा कि ये जो लिखा आता है ना वर्ड, यहाँ पे पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स,
एक्चुअली यहाँ पे आपको पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स मिल रहा है। तो हम लोग कहाँ तक अभी बात किया सिलोजिज्म में, इस टाइप के क्वेश्चन आए। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है सिलोजिज्म में, उसमें आपको क्या बोलेगा कि कंक्लूजन दे देगा उसमें, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट नहीं देगा, उसमें आपको कंक्लूजन दे देगा दो, और स्टेटमेंट नीचे आपको ए में तीन स्टेटमेंट रहेगा, बी में तीन स्टेटमेंट रहेगा, या फिर दो स्टेटमेंट जितना रखना चाहे। अब बोलेगा कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हम चुने जो कि ये दोनों कंक्लूजन ट्रू हो जाए, जो कि रिवर्स सिलोजिज्म्स के नाम से काफी आप लोग सुना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं सिलोजिज्म्स से, ठीक है, या आपको एग्जामिनेशन में जब सिलोजिज्म आए तो इस लेक्चर के, इस पूरी सीरीज के कंप्लीट होने के बाद इतना आप कॉन्फिडेंट हो जाइएगा कि सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन काफी आप हद तक सही बना पाइएगा, ठीक है। मेन कोशिश तो यही रहेगी कि इतना सिखा दें कि आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करें, ठीक है, लेकिन ह्यूमन एरर के भी नाम की कोई चीज़ होती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग देखा होगा कि बेसिक से स्टार्ट करने का मैंने सोचा है, लेकिन कितने आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिक से भी आप देखते जाइए आपको कई चीज़ नई पता चलेगी इस लेक्चर में, ठीक है। जैसे सम होता है तो कितने तरह के वर्ड जो होते हैं वो सम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहां से भी आप लोग सिलोजिज्म्स पढ़ा होगा सिलोजिज्म में, ठीक है, सिलोजिज्म में हम लोग वेन डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बेस्ट होता है वेन डायग्राम, हम लोग वेन डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चल स्टेटमेंट नंबर वन, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आपको आता ही होगा ज्यादा, और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं समझने का, उतना डेप्थ में थ्योरी इसको नहीं ले जा रहे हैं, हालांकि समझाने में तो काफी इसमें समझा सकते हैं कि इसमें ये आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कौन से हैं, पार्टिकुलर स्टेटमेंट कौन से हैं, लेकिन उस टाइप से हम नहीं लेकर के जा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो होता है ना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहा जाता है सिलोजिज्म्स में, यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहा जाता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी और नो ए आर बी, ये जो हुए ना ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हुए, और पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता है एक, पार्टिकुलर स्टेटमेंट, पार्टिकुलर स्टेटमेंट क्या कहा जाता है आपको, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। फिर पार्टिकुलर में भी डिवाइड होता है, अफर्मेटिव हो गया या फिर नेगेटिव हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब आप जान लीजिए, चलिए हम बता ही दिया, तो जान लीजिए कि ये हो गया यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ये हो गया पार्टिकुलर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर वन पे आते हैं कि कितने टाइप के स्टेटमेंट आपको सिलोजिज्म में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले सिलोजिज्म में जो मिलेगा आपको स्टेटमेंट नंबर, ऑल ए इज बी मिलेगा आपको, ठीक है, ऑल ए इज बी, इसमें आप ए को, ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट कह लीजिए और बी को प्रीडिकेट कह लीजिए, ठीक है, प्रीडिकेट कह लीजिए। इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट करके भी आपको कई सारे बुक में मिलेगा, या फिर आपको ये एलिमेंट्स कह के भी आपको बुक में मिल सकता है, ठीक है, ऑल ए और इज बी, ऑल ए इज बी मीन्स All A is B। इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे, All A is B। स्टेटमेंट नंबर टू हो जाएगा हमारा, सम A is B, ये सम A आर B, तो उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, सम A आर B, ठीक है। ये ज्यादा देर का नहीं होगा, दो मिनट में ये सब सारी चीजें हम ओवर करके आपको डायरेक्ट लेके चलते हैं अच्छे अच्छे सवालों की तरफ, ठीक है। काफी आपको अब समझिएगा, आज काफी आपको यूजफुल लेक्चर होगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सम पार्ट बता रहा है ना, सम ए इज बी, मतलब ये जो पार्ट है ना बीच में जिसको हम अभी रंग रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट बता रहा है कि सम ए, कुछ ए जो है वो बी है, ठीक है। ये मेरा आप देख लिया कि सम ए, ऑल ए इज बी का कैसा डायग्राम बन रहा है, सम ए इज बी का कैसा डायग्राम बन रहा है। तीसरा नंबर पे आते हैं, स्टेटमेंट नंबर थ्री, स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या है, नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कोई भी ए बी नहीं होगा, मतलब ये जो ए का सर्किल है और बी का सर्किल है
कोई इन दोनों सर्किल में कोई भी कनेक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आज बड़ा ओनली वाला स्टेटमेंट मैं आपको बड़ा अच्छा समझाऊंगा। ठीक है, कितने जगह से स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है, कितने फैकल्टीज को भी क्लियर हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी। तो इसमें सम ए इज नॉट बी जो है ना, ये सम और सम नॉट का, ये आपको नहीं, ये सॉरी, सम ए इज नॉट बी आपको इस तरीके से बनाना है। सम ए, कुछ ए का जो ये पार्ट है वो आपको बी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब कुछ दिन पहले, कुछ साल कह लो, दिन तो कहना गलत हो जाएगा, कुछ साल पहले क्या किया ना एग्जामिनर, एग्जामिनर तो बड़ा चालाक होता है, एग्जामिनर क्या किया कि एक नए तरह का स्टेटमेंट लाया मार्केट में, जिसको कहा गया ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली फ्यू ए आर बी। तो ये जो स्टेटमेंट लाया मार्केट में, आपको कितना नंबर स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा पांचवा नंबर स्टेटमेंट, नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 5। तो ये जो मार्केट में स्टेटमेंट आया, तो सबसे पहले इस बीआई एग्जामिनेशन में आया था, उसके बाद तो सभी एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट आने लगे हैं। ठीक है, ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कि सम प्लस सम नॉट। ठीक है, ओनली फ्यू का मतलब यही होता है, सम प्लस सम नॉट। ठीक है, हमको पता है कि एक बहुत अच्छे बड़े फैकल्टी हैं, सम लेकर के पढ़ाते हैं ओनली फ्यू का मतलब, लेकिन ओनली फ्यू का मतलब सम एंड सम नॉट होता है। ठीक है, आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, अच्छा फैकल्टी है, लेकिन ये नहीं ना है कि जो कह दिए वही सही है, एग्जाम में भी देखा है सम प्लस सम नॉट होता है। ठीक है, सम प्लस सम नॉट, ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, अब देखो इसमें है ना, स्टेटमेंट का जो आप डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा, ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब होता है सम ए आर बी, और इसमें कुछ बारीकियां हैं जिसको समझने की आपको जरूरत है, और इसमें का मतलब ये होगा ना कि सम ए आर बी मतलब कि ये जो पार्ट है, सम ए आर बी का मतलब ये जो पार्ट है सम वाला होगा, लेकिन कुछ ए का हिस्सा ऐसा भी होगा जो कि बी में कभी भी नहीं जा सकता है। मेरी बात को गौर करना, कुछ ए का हिस्सा ऐसा होगा जो कि बी में कभी भी नहीं जा सकता है। ठीक, अब कुछ बात, स्टेटमेंट जो है ओनली फ्यू ए आर बी, इसको कुछ इस तरीके से भी आपको लिख के दिया जा सकता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली फ्यू ए आर बी या ओनली अ फ्यू ए आर बी, बोथ आर सेम। ओके, दोनों सेम है, ओनली अ फ्यू ए आर नॉट बी, इसका भी मतलब यही होगा कि ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट को तीन तरीके से लिख के आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक दो केस आएगा। अब देखिए यहां पे हमारा स्टेटमेंट रहा कि ओनली फ्यू ए आर बी, कंक्लूजन में हमसे हमेशा ये पूछा जाता है, जहां ये आपको इंट्रोड्यूस हुआ था क्वेश्चन, वहां भी आपको यहीं से लेकर के दिक्कत होती है, सम और सम सम अगर आप इसको लेके बना दें तब कहां दिक्कत आती है, अगर आप ओनली फ्यू को सिर्फ सम लेके ट्रीट कर दें तो कहां दिक्कत आती है। कंक्लूजन नंबर 1 है कि ऑल बी कैन बी ए। कंक्लूजन नंबर 2 है ऑल ए कैन बी बी। कैन बी मतलब समझ रहे ना, कैन बी किसी स्टेटमेंट में अगर लग जाए तो वो एक पॉसिबिलिटी के स्टेटमेंट में चला जाता है, पॉसिबिलिटी की बाउंड्री में वो चला जाता है, डेफिनेट नहीं रहता है, एक पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट वो हो गया है। ठीक है, ऑल ए कैन बी बी। ठीक है, ऑल बी कैन बी ए हमारा पहला स्टेटमेंट है, ऑल बी कैन बी ए। ठीक है, सारे के सारे बी हमारे ए हो सकते हैं,
तो अगर हम इसको सम लेके बनाए, सम ए आर बी, तो सारे के सारे बी हमारे ए हो सकते हैं, सही बात है। अगर हम अभी हम आपको इससे बता रहे हैं सम से, ठीक है, ये वाले के, अगर आप इसको सम लेकर के चलते हैं, दूसरा क्या आएगा, सम ऑल ए कैन बी बी, सारे के सारे ए जो है वो बी हो सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, गलती यही कराता है, यहीं पे गलती महसूस होती है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि अगर आप ओनली सम और सम नॉट लेकर के चलते हैं, जो कि सही तरीका है, तब ऑल ए कैन बी बी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका हम लोग जब सम और सम नॉट लेके बनाते हैं, मतलब ही यही रहता है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात, यही बस डिफरेंस आ जाता है सम और सम नॉट में, जो कि आपको काफी महंगा साबित पड़ जाता है एग्जामिनेशन में। छठा स्टेटमेंट, ठीक है, छठा स्टेटमेंट, उसके बाद हम आपको एक लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड अगर आप यूज कीजिएगा तो वो सम है, कौन से वर्ड आपको ऑल है, ऑल को किस डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, ऑल बट सम अगर कुछ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो वो आपको क्या मीनिंग दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो स्टेटमेंट नंबर कौन सा हो गया हमारा, स्टेटमेंट नंबर 6 पे आते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6, काफी कंफ्यूजन रहा इसमें, ठीक है, लेकिन आज आपको इसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट इन सिलोजिज्म। हालांकि मैंने अपना पहले भी आपको इसको समझाया है, ओनली स्टेटमेंट इन सिलोजिज्म, लेकिन बेसिक से चल रहा है तो फिर से आप समझ लीजिए, नए हैं तो आप, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखो, ओनली स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आप हर जगह देखिएगा कि मीनिंग लिखा दिया जाएगा कि ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, लेकिन लेकिन इसका जो मीनिंग है ना, बस यहीं तक नहीं रह जाता है, इसका मीनिंग काफी अंदर तक जाता है, डेप्थ है इसमें। इसमें डेप्थ क्या है कि बी जो है ना, बी जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा ए के साथ और निगेटिव रिलेशनशिप रखेगा किसी भी के साथ, ए के अलावा किसी के साथ भी वो निगेटिव रिलेशनशिप रखेगा। एक आप मतलब कह सकते हैं, ए के अलावा कोई भी बी से रिश्ता नहीं रखेगा, ए के अलावा कोई भी बी से रिश्ता नहीं रखेगा। ठीक है, हमारा जैसे स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है ओनली ए आर बी सम ए आर सी, ठीक है, हमारा ये स्टेटमेंट आ गया है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो कंक्लूजन लिख दिया जाए, कंक्लूजन में है ऑल सी कैन बी ए, ऑल सी कैन बी ए, ऑल ए कैन बी सी, कैन बी सी, ठीक है, ऑल ए कैन बी सी, ये हमारा कंक्लूजन नंबर 1 है, ये हमारा कंक्लूजन नंबर 2 है। तो हमारा इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, वेन डायग्राम, ओनली ए आर बी का वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, मतलब ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, और सम ए आर सी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि ऑल सी कैन बी ए, सारे के सारे सी, ओके, चलो हम पेन का कलर चेंज कर लें, आज एक बार भी पेन का कलर चेंज नहीं हुआ है, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। इसमें बोला क्या कि सारे के सारे सी ए हो सकते हैं, कैन बी, यहां हमसे क्या बोला, कैन बी मतलब क्या हुआ, कैन बी मतलब हुआ कि एक पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट बोला, तो जी हां, ए और सी, ऑल सी कैन बी ए, सारे के सारे
सी जो है ए हो सकते हैं। कैसे? आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ए और सी दो डिफरेंट सर्किल हैं, ये इन दोनों मतलब दो डिफरेंट सर्किल हैं और इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बोला है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। या फिर आप ए के सर्किल कैसे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे पूरा ए सी जो है वो ए में आ गया और कोई बेसिक स्टेटमेंट जो है आपका वायलेट भी नहीं हुआ, बेसिक स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो हमारा पहला नंबर स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल सही हो गया। तो चलो इसको हम लोग पहले हटा देते हैं, जो हम बेसिक डायग्राम पे फिर से आ जाते हैं। अब हमारा दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ओके, अब हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी है ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए, सारे के सारे ए जो है वो सी में चले जाएं। तो ये होगा, ये नहीं होगा। अब यही बात में ओनली स्टेटमेंट काम आता है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बी जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाएगा ए के साथ और निगेटिव रिलेशनशिप बनाएगा ए के अलावा कोई भी रहे। तो ए के अलावा कौन है, ये सी है, मतलब सिर्फ ए जो है ना, सिर्फ ये बी जो है वो ए के साथ ही रिश्ता रख सकता है। अब यहां बोला ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए जो है वो सी हो जाए। अब सारे के सारे ए अगर आप सी बनाइएगा, अगर मान लीजिए इस तरीके से आप सी की सर्किल को बड़ा कर रहे हैं, इस तरीके से अगर सारे के सारे ए को आप सी बना रहे हैं, तो यहाँ पे बी का जो ये पार्ट है वो भी सी में चला जाएगा, ठीक है, उसको तो नहीं जाने देना है क्योंकि बी जो है वो सिर्फ ए के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं, अभी मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं जो कि काफी अच्छा स्टेटमेंट है, शायद किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ओनली टाइगर इज एलिफेंट। इसके अलावा इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, ठीक है। नो एलिफेंट इज डॉग, ओके, स्टेटमेंट नंबर थ्री है हमारा। ओनली काउ इज डॉग, ठीक है। और हमारा देखो कंक्लूजन जो इसमें पूछा गया है ना, कंक्लूजन बस दो ही कंक्लूजन है, एक और दो, ठीक है। हमसे कंक्लूजन दो में पूछा, नो डॉग इज टाइगर, और दूसरा में हमसे पूछा नो काउ इज एलिफेंट। एलिफेंट, अब बताओ कैसे बनाओगे इसको। चलो, ओनली टाइगर इज एलिफेंट, हम लोग वेन डायग्राम इसको बना लेते हैं, मतलब ऑल एलिफेंट आर टाइगर, सारे के सारे एलिफेंट जो है वो टाइगर है। नो एलिफेंट इज डॉग, कोई भी एलिफेंट जो है वो डॉग नहीं है। और ओनली काउ इज डॉग मीन्स ऑल काउ आर डॉग, ठीक है, सारे के सारे। ये हमारा बेसिक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। बेसिक स्टेटमेंट अगर आप बनाने में अगर आप असमर्थ हैं, नहीं बन पा रहा है, बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर, कोई पेड क्लास लेने की जरूरत तो नहीं है, बेसिक स्टेटमेंट सिर्फ सीखने के लिए बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर, आप वहां से भी सीख सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम पेड क्वालिटी के तो पेड क्लासेस के एकदम अगेंस्ट नहीं है, पेड क्वालिटी क्लासेस भी जरूरी हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको फ्री में नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मतलब फ्री में देने में दिक्कत रहता है यार, मतलब दूसरा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कर देगा, बाहर कोई अपना ये नहीं ना हो सकता है। जैसे पूरा मॉक टेस्ट आपको सिखाना है कि कैसे आपको मॉक टेस्ट सब किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, काफ़ी अच्छे अच्छे पेड के लेक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। सारे पेड लेक्चर्स ख़राब नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ हैं जो कि सिर्फ बिजनेस बेस्ड है, कि कुछ कुछ हैं जो कि आपको बेसिकली बहुत अच्छा सिखाते हैं। नो डॉग इज टाइगर, ठीक है, नो डॉग इज टाइगर, कोई भी डॉग जो है वो टाइगर नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या था, नो डॉग इज टाइगर, नो डॉग इज टाइगर, कोई भी डॉग जो है वो टाइगर नहीं है, ठीक है। ओहो, हमारा ये स्टेटमेंट गलत बन गया ना, कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा है। ओके वाह,
ओके देखिए, अभी हम थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे स्टेटमेंट को। ओनली काउ इज डॉग बोला है, मतलब ऑल डॉग इज काउ ना होगा, पेन ले लेते हैं। ठीक है, ओनली टाइगर इज इंटेड मीन्स ऑल एलिफेंट इज नो एलिफेंट इज डॉग, नो एलिफेंट इज डॉग, ओनली काउ इज डॉग मीन्स ऑल डॉग इज काउ, सारे के सारे डॉग जो है वो काउ हो जाएंगे, सारे के सारे डॉग जो है वो काउ हो जाएंगे। अब हमारा स्टेटमेंट, नो डॉग इज टाइगर, कोई भी डॉग जो है वो टाइगर नहीं है। पेन का कलर चेंज कर दे, ये इंक कलर हम फिर से रेड ले लेते हैं, रेड अच्छा रहता है, दिखता है लोग अच्छे से। सारे कोई भी डॉग जो है वो टाइगर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि हम इसे बोला है कि ओनली काउ इज डॉग, मतलब डॉग को जो रिश्ता है वो सिर्फ काउ से ही रहेगा, पॉजिटिव रिश्ता, और इसके अलावा कोई भी रहेगा तो उससे निगेटिव रिश्ता होगा। काउ जो डॉग जो है सिर्फ काउ से ही पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकता है, मीन्स सब काउ सम डॉग इज ऑल डॉग इज काउ, ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप बना कॉ के साथ। इसके अलावा कुछ भी बोले कि डॉग इज टाइगर, अगर यहाँ पे नो हटा करके बोलता कि डॉग इज टाइगर तो हम लोग इसको गलत कर देते, लेकिन यहाँ बोला सही बात बोला कि कोई भी डॉग जो है वो टाइगर नहीं है। हाँ, क्योंकि डॉग जो है सिर्फ कॉ के साथ ही रिलेशनशिप बनाएगा, तो ये सही हो गया। इसी तरीके से नो कॉ इज एलिफेंट, सारे का सारा कॉ जो कोई भी कॉ जो है वो एलिफेंट नहीं है। आप यहाँ देखिए, ओनली टाइगर इज एलिफेंट, सिर्फ टाइगर ही जो है वो एलिफेंट हो सकता है, और यहाँ बोला कि नो कॉ इज एलिफेंट, कोई भी कॉ जो है वो एलिफेंट नहीं है, तो ये बात भी हमारा सही बोला कि सिर्फ टाइगर ही जो है वो एलिफेंट हो सकता है, इसलिए ये बात सही है कि कोई भी काउ जो है वो एलिफेंट नहीं होगा। एक और स्टेटमेंट समझिए जो कि थोड़ा सा आपको और एडवांस में ले जा रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट है ये, ओनली ही फ्यू का अभी चल रहा है स्टेटमेंट है, सम चिप्स आर क्रिस्पी एंड स्पाइसी, आर क्रिस्पी एंड स्पाइसी। ओके, दूसरा है ओनली स्पाइसी आर लेस। ठीक है, सही है स्टेटमेंट हो गया हमारा, तो कुछ कंक्लूजन भी होगा। कंक्लूजन जो है हमारा ये है, ऑल स्पाइसी बींग चिप्स, कंक्लूजन नंबर पहला है, ऑल स्पाइसी बींग चिप्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरा सम लेज आर चिप्स एंड क्रिस्पी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये आपके सामने स्टेटमेंट रह गया, आई थिंक कि राइटिंग इतनी अच्छी है कि आप पढ़ सकिएगा। ठीक है, सम चिप्स आर क्रिस्पी एंड स्पाइसी। देखो यहाँ ना स्टेटमेंट, काफी लोग तो पहली बार देख रहे होंगे जो कि स्टेटमेंट पे एंड लिखा है, ये ANDE एंड, ठीक है, एंड स्पाइसी लिखा है, सम चिप्स आर क्रिस्पी एंड स्पाइसी। अब देखो इसमें है ना वेन डायग्राम काफी तरीके से बन सकता है, अभी इसमें अगर तुम बनाना चाहो तो इस तरीके से भी बन सकता है, सम चिप्स आर क्रिस्पी एंड आर स्पाइसी, ये हमारा फर्स्ट वेन डायग्राम हुआ। दूसरा वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से भी बन सकता है कि सम चिप्स आर क्रिस्पी एंड स्पाइसी। ठीक है, तीसरा वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से भी बन सकता है कि सम चिप्स आर क्रिस्पी एंड स्पाइसी। ठीक है, स्पाइसी इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट जहां पे ओनली आया ना, वो थोड़ा सा एरिया को डिफाइन करने के लिए दिया एग्जामिनर कि
एरिया डिफाइन कीजिए, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लेके थोड़ी बनेगा। तो ओनली स्पाइसी आर लेज, ठीक है, ऑल लेज आर स्पाइसी, तो सारे के सारे लेज जो हैं वो स्पाइसी आ जाएंगे, सारे के सारे लेज जो हैं वो स्पाइसी आ जाएंगे, सारे के सारे लेज जो हैं वो स्पाइसी आ जाएंगे। अगर इसको हम इसी अंदर बना दें, बाहर मत निकालो, बाहर तो हो चुका है, लेज जो है अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम तो पहले ही खारिज हो जाएगा। क्यों खारिज जाएगा? अब देखो ओनली यहाँ काम कर रहा है, ओनली क्या काम कर रहा है कि लेयर्स जो है ना सिर्फ रिश्ता किसके साथ बनाएगा? स्पाइसी के साथ। अगर इस तरीके से बनाते हो अंदर डायग्राम तो लेयर्स जो है वो आपको क्रिस्पी और चिप्स दोनों के साथ बना दे रहा है रिलेशनशिप, ये गलत। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में आपको डायग्राम की एरिया जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। आप इसको ऊपर वाले को भी नहीं काट सकते हैं, नीचे वाले को भी नहीं काट सकते हैं, लेकिन नीचे वाला आपको मोर एक्यूरेट डायग्राम दे रहा है, क्योंकि क्रिस्पी और स्पाइसी के बारे में कोई चीज़ यहाँ रिलेशनशिप नहीं कहा गया है कि कुछ इन दोनों में रिलेशनशिप होगा। और अगर आप ये डायग्राम लेते हैं तो क्रिस्पी और स्पाइसी में एक सम का रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप आ जा रहा है जो कि आपको ऊपर में नहीं है, ठीक है। सम चिप्स आर क्रिस्पी एंड स्पाइसी, मतलब ये तो चिप्स की बात हुई ना कि सम चिप्स आर क्रिस्पी, कुछ चिप्स जो है क्रिस्पी है और चिप्स जो है स्पाइसी है, तो क्रिस्पी और स्पाइसी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारा फाइनल डायग्राम ये आएगा, सेकंड नंबर वाला, ठीक है। अब हमारा पॉसिबिलिटी कंक्लूजन, मेन हमारे डायग्राम तो निकल गया लेकिन कंक्लूजन भी तो निकालना है, ठीक है। लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स लग रहा है आपको कॉन्टेंट। आपको नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है ना, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मेरी कोशिश रहती है कि थोड़ा टाइम लगे लेक्चर में लेकिन लेक्चर आपको बेस्ट क्वालिटी का मिले, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगी क्लास की, आ जाएगा कि आज लेक्चर अपलोड हुआ है, ठीक है, ओके। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं सर मेंस का लेक्चर चल रहा है, अरे मेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप देखते हैं तो मेंस में काफ़ी आपको फायदा होता। ऑल स्पाइसी बीइंग चिप्स इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्पाइसी जो है वो चिप्स हो जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक पॉसिबिलिटी नहीं, सारे के सारे स्पाइसी, सारे के सारे स्पाइसी जो है वो चिप्स होने की बात कर रहा है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब ये डेफिनेट बात है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी मतलब कि ये एक डेफिनेट बात है कि सारा का सारा स्पाइसी जो है वो चिप्स नहीं होगा, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। क्यों? क्योंकि लेस जो है ना वो स्पाइसी में आया हुआ है और लेस तो सिर्फ स्पाइसी के साथ कनेक्शन बना रहा है। अगर सारे के सारे स्पाइसी को तुम चिप्स में ले जाने का कोशिश करोगे, इसमें ले जाने का कोशिश करोगे, तो ये लेस भी जाना चाहेगा लेकिन लेस तो जा नहीं सकता है, लेस यहाँ बंधा बैठा है, तो यहाँ लेस नहीं जाएगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट, सम लेस आर चिप्स एंड क्रिस्पी। अब इसके लिए तुमको देखने की जरूरत है, यहाँ पे डायग्राम तुमको देखने की जरूरत भी है, यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करने के बाद। देखो सम लेस आर चिप्स एंड क्रिस्पी, कुछ लेस जो है वो चिप्स एंड क्रिस्पी है। हमारा स्टेटमेंट क्या था? ओनली स्पाइसी आर लेस, लेस जो है सिर्फ स्पाइसी के साथ कनेक्शन बनाएगा और किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा, मतलब ये जो है हमारा ये गलत होगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट आपको ओनली इंसुलॉज का स्टेटमेंट आपको, आई होप ये आज क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो। हमारा 6 स्टेटमेंट हुआ। अब आपको हम एक लिस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, हालांकि उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि देखिए आपको है ना कैसे कैसे। ओ एंड ऑफ स्लाइड हो गया, तो देखते हैं कहीं स्लाइड हमको मिल जाए फ्रेश। ओके चलिए एक स्लाइड और ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, इसको स्लाइड कीप कर लेते हैं, एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं, चलिए एक स्लाइड और ऐड हो गया। अब हम आ जाते हैं इसमें, देखिए सम, सम की बात अब हम करते हैं, ठीक है, सम SOME सम, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आया था ना वो डायरेक्शन डिस्टेंस का मीन्स का हम क्वेश्चन लिया था, उसी के PDF का क्वेश्चन है, उसी के PDF में हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ लिखना ही ना सारी चीजें। ओके देखिए सम, सम आपको कैसे आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको लिख के देगा मोस्टली ए
आर बी, तब उसका मतलब होगा सम ए आर बी, सम ए आर बी। ओके, फ्रीक्वेंटली, अब हम सिर्फ आपको ये लिखते जा रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ए आर बी लिखेगा, ठीक है, जनरली ए आर बी लिख के दे दे, जनरली ए आर बी लिख के लिख दे, ओकेजनली ए आर बी लिख के दे दे, ठीक है, ओकेजनली ए आर बी लिख के लिख दे। आप किसको ट्रीट कीजिएगा, इन सारे कीवर्ड्स को आप सम ए और बी के तरह ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, एट मोस्ट ए आर बी लिख के दे दे, ठीक है, ऑलमोस्ट ए आर बी लिख के दे दे, ठीक है, और कैसे, अप्रोक्सीमेटली या एटलीस्ट सम लिख के दे दे, एटलीस्ट सम लिख के दे दे, ठीक है, अ फ्यू लिख के देगा तो सम ट्रीट कीजिएगा, ओनली अ फ्यू लिख के देगा तो सम प्लस सम नॉट ट्रीट कीजिएगा। समझ में आया बात, अ फ्यू सिर्फ लिखे, अ फ्यू ए आर बी तो आप सम ट्रीट कीजिएगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी लिखेगा तो सम प्लस सम नॉट ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, उसके अलावा फ्यू ए आर बी सम होगा, फ्यूअर ए आर बी सम होगा, ठीक है, मैक्सिमम ए आर बी, मैक्सिमम ए आर बी ये भी आपको सम होगा, मिनिमम ए आर बी ये भी आपको सम होगा, ठीक है, 1 से लेके 99% लग करके दे, ठीक है, 25% ए आर बी अगर इस तरीके से लिख करके दे तब भी सम आप ट्रीट कीजिएगा, फ्रैक्शन में अगर दे 2/3 ए आर बी लिख करके दे तब भी आप उसको सम ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार लेक्चर को देख लीजिए, जैसे याद करना है कर लीजिए, ठीक है। अब उसके अलावा चलो स्लाइड तो बार बार ऐड, ओके, चलो एक बार 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 स्लाइड ऐड करनी ही पड़ेगी हमको, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, एक बार हम कुछ स्लाइड्स ऐड कर ही लेते हैं। चलो हम लोग सम का बात हो गया, अब ऑल पे बात करते हैं, ऑल कैसे कैसे लिख करके देगा, ज्यादातर खेलता सम में ही है, ठीक है, ऑल आपको इस तरीके से लिख के दे सकता है कि 100% ए आर बी, ठीक है, अभी हम क्या बताया था आपको, जीरो से, देखिए यहां देखिए क्या होता है, जीरो से 91 से, लेकिन जीरो तो आपको नो हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर के 99% तक देगा, या फिर 0.1 से लेकर 99.9% तक आपका सम पे ट्रीट कीजिएगा, 100% लिख के दे दिएगा, मतलब आप तो श्योर हो गए ना कि सारा का सारा ए और बी है, 100% हम एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, श्योर, ठीक है, 100% ए आर बी ये आपका ऑल ट्रीट कीजिएगा, ईच ए आर बी ऑल ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, एवरी ए आर बी ऑल ट्रीट कीजिएगा, कंप्लीट ए आर बी ऑल ट्रीट कीजिएगा, फुल ए आर बी ऑल ट्रीट कीजिएगा, एवरी सिंगल ए आर बी, एवरी सिंगल ए आर बी लिखा आएगा ऑल ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। अब नो देख लेते हैं कि नो किसको आप ट्रीट कीजिएगा, नो है 0% ए आर बी, 0% चांस है कि हम फेल कर जाएं, ठीक है, तो श्योर है आप, ऑल एक 0% आएगा नो में, ठीक है, नन ए आर बी, नन ए आर बी लिख दे तब भी आप नो ट्रीट कीजिएगा। अब सम नॉट, सम नॉट, नॉट मोर देन करके दे, नॉट मोर देन करके लेसन अगर लिखा रहे, नॉट मोर देन परसेंटेज वाली दे दे, नॉट मोर देन 5% आर बी या नॉट मोर देन 6% आर बी, इस तरीके से अगर आपको दे तो आप सम नॉट पे ट्रीट कीजिएगा। ओनली, तो अभी हम आपको बताया, ओनली आपको स्टेटमेंट नन बट ए आर बी लिख के, नन बट ए आर बी लिख करके दे स्टेटमेंट तो आप ओनली ट्रीट कीजिएगा। अब देखो ओनली अ फ्यू वाला बता देते हैं, ओनली अ फ्यू अगर आपको कैसे ट्रीट कीजिएगा, ऑल बट सम लिख करके दे तो आप ओनली ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, ओनली में अगर परसेंटेज लिख के दे दे, ओनली 20% ए आर बी करके दे दे तब आप ओनली अ फ्यू ट्रीट कीजिएगा। लेकिन देखो अब यहां पे एक थोड़ा सा बात आया,
क्या बात आया, अभी हम आपको बताया था कि 1 से 99% तक क्लिक करके दे तब आप ट्रीट कीजिए सम, जैसे आपको 55% ए आर बी लिख करके दे देगा तब आप उसको सम ट्रीट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ओनली 20% ए आर बी, जब ओनली लगा के दे देगा तब ओनली ऑफ यू ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो लोग पेड क्लास में पढ़ाने के लिए देख रहे हैं वो भी समझ लीजिए, पढ़ा दीजिएगा अपने स्टूडेंट लोग को। ठीक है, ओनली उस सेम बात है, ओनली में अगर फ्रैक्शन लिख के दे दे, फ्रैक्शन में लिख के दे दे तब आप ओनली या फ्यू ट्रीट कीजिएगा। ओनली फ्यू तो आप जान ही रहे हैं, ओनली फ्यू ए आर बी तो आप ट्रीट करते ही आ रहे हैं, ओनली फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली आ फ्यू, ओनली फ्यू दोनों का आप सम प्लस सम नॉट ओनली आ फ्यू के तरह ही ट्रीट कीजिएगा। ओनली आ फ्यू नॉट अगर आपको लिख के आ जाए, ओनली आ फ्यू नॉट लिख करके आ जाए तब भी आप ओनली आ फ्यू ट्रीट कीजिएगा। आज के लेक्चर का लास्ट सवाल, ठीक है, थोड़ा तो बोलते बोलते थक भी गए हैं। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है आपके सामने, नॉट मोर देन 17% ऑफ द लव आर ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर वन हुआ हमारा। दूसरा है, मोस्ट ऑफ द ट्रू आर नॉट सेपरेटेड। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन देखो, थोड़ा सा हम डिफिकल्ट आपको दे रहे हैं स्टेटमेंट। ठीक है, कंक्लूजन है, ऑल ट्रू बीइंग लव इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा, नो सेपरेटेड आर लव। आर लव बताइए इसका जवाब क्या होगा। नॉट मोर देन, ठीक है, अब अभी आपको लिख के बताया है कि सम नॉट में आप क्या ट्रीट कीजिएगा, नॉट मोर देन। देखा, अगर आप ध्यान ध्यान नहीं दिया होगा तो सोचा होगा कि क्या लिख दिया है सर ने। ठीक है, नॉट मोर देन 17% लव आर ट्रू, कुछ नहीं भाई, सम नॉट का केस है। ठीक है, सम नॉट का केस है। ओके, तो सम नॉट वाला केस बताओ, नॉट मोर देन लव, कुछ लव जो है वो आपको जाकर के ट्रू नहीं है। अब नो, अब दूसरा क्या था, मोस्ट ऑफ द ट्रू आर नॉट सेपरेटेड। यहां मोस्ट में तो हमने बोला था आपको कि मोस्ट लिखेगा तो आप क्या दीजिएगा, आप मोस्टली ए आर बी या फिर मोस्ट ए आर बी के देगा तो सम ट्रीट कीजिएगा। लेकिन लेकिन एग्जामिनर ना थोड़ा सा यहां खेल गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से खेल गया आपके, क्या किया ना, मोस्ट ऑफ द ट्रू आर नॉट सेपरेटेड लिख दिया, यहां पे सम दे दिया और यहां पे नॉट दे दिया। मतलब क्या है, आपके सामने सम नॉट ला करके रख दिया एग्जामिनर, सम नॉट का इस तरह बना दीजिए। ठीक है, सम नॉट की तरह बना दीजिए टू और सेपरेटेड को। ठीक है, सम टू आर नॉट सेपरेटेड है ये। हमारा कंक्लूजन क्या है, ऑल ट्रू बीइंग लव इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ट्रू जो है वो लव हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, अगर लव के सर्किल को आप ऐसे बढ़ा दीजिए तो सारे के सारे लव जो है वो ट्रू हो जाएंगे, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू हो गई। ठीक है, ये जो है हमारा, ये जो है वो ट्रू हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला कि नो सेपरेटेड आर लव, कोई भी सेपरेटेड वो लव नहीं है। अब देखो यहां ना एक डेफिनिट डेफिनिट दिया ये हमें स्टेटमेंट, ये एक डेफिनिट स्टेटमेंट दिया। अब देखो जो हम समझा रहे हैं, ठीक है, ये पहला ही क्लास है सिलोजन का, कोई भी डेफिनिट स्टेटमेंट देता है ना वो पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा ही ट्रू होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं निकल जाए केस कि जहां पे इसको वायलेट कर दे कोई पॉसिबिलिटी। अगर हम आपको लव का सर्किल
थोड़ा सा क्लियर करने दो हमें डायग्राम। ठीक है, अगर लव का सर्किल इस तरीके से अगर हम बना दें कि लव का सर्किल, और या तो हम इस तरीके से बना दें, ठीक है, अगर इस तरीके से हम बना दें, डिस्टॉर्ट कर सकते हो सर्किल को, हम बस तुमको दिखा रहे हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो कि लव यहाँ है और सेपरेटेड यहाँ, इन दोनों में, दोनों सेपरेट सर्किल है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी, इसलिए डेफिनेट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग होगा। एक ये तरीके से भी सोच सकते हो, दूसरा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके सर्किल को देख लो, जब डिस्टॉर्ट करोगे सर्किल तो कोई बेसिक स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी यहाँ निकल गई कि सारे के सारे ही सेपरेटेड जो है वो लव में आ गया, आप तो नो की बात कर रहे थे, तो यहाँ हमारा गलत हो गया। लेकिन अगर यही आपको स्टेटमेंट यहाँ इस तरीके से देता, नो सेपरेटेड आर लव इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी लिख के दे देता कि कोई भी सेपरेटेड जो है वो लव नहीं है, तो हमारे पास वो पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कोई भी सेपरेटेड जो है वो लव नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टेटमेंट उठाया आज आपका सिलोजिज्म्स का, ठीक है, आपको यहाँ तक ला करके हम छोड़ा है, काफ़ी सारे आप शुरू से देखा होगा तो हम आपको बताया भी टाइप्स क्या होते हैं, एक ही टाइप एक ही साथ वीडियो बनाने चलेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे थंबनेल चलता है, नीचे आपको चलता रहता है वीडियो में, सब्सक्राइब लाइक शेयर, यूजफुल लग रहा है ना चैनल तब सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, देखो यार लाइक करते हो ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा लाइक करते हो मोटिवेटेड फील होता है आदमी, ठीक है, नहीं तो ऐसे वैसे भी टीचर्स आकर के आपको पढ़ा के चले जाते हैं, अच्छा खासा व्यूज रहते हैं यार उनके में, चलो ठीक है, सबको एक किस्मत है, सबको पढ़ा रहा है, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं हम, थोड़ा सा आप छोड़िए किसी और को, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, काफ़ी मुश्किल से आपको लेक्चर्स हम अभी पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी मुश्किल है अभी पढ़ा पाना, तो इसी वजह से थोड़ा रेगुलर भी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, आप आज के लेक्चर देखिएगा आपको काफ़ी सारा डाउट आपका क्लियर होगा, और आपको ये एक सिंगल लेक्चर भी आपको काफ़ी अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपके हेल्प करेगा। ये हमारा पार्ट वन था आज, ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का हम स्टार्ट किया है, कंप्लीट रीजनिंग हम करा देंगे आपकी बैंकिंग की, ओके, धीरे धीरे करके आपको पता चल गया होगा, पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स का जो नीचे बैनर चल रहा है आपको उस क्वालिटी की लेक्चर्स मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर्स यूजफुल हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम लोग फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ओके, ऑल द बेस्ट।